राधे राधे एवरीवन, होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक हो। मैं भी। तो गाइज, आज है 30 अगस्त, दोपहर के 1:30 बज रहे हैं अभी। इस टाइम पे डेली मैं अपना वीडियो पब्लिश कर रही होती हूँ, लेकिन आज अभी आप लोगों से बातें ही कर रही हूँ। आज मैं इस टॉपिक पे आप लोग से बात करने वाली हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं इस टॉपिक पे आप लोग से कोई भी बात नहीं कर पाई हूँ, और मेरे हर एक वीडियोज़ पे आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स यानी कि बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो आज मुझे लगा कि नहीं, मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए, एक छोटा सा वीडियो बना के आप लोग को अपडेट कर देती हूँ। जैसा कि आप सबको पता ही है कि मेरे लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जिसकी वजह से मैं इतना ज़्यादा उलझी हुई हूँ ना, उन्हें सब प्रॉब्लम्स में मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं या फिर क्या हो रही हैं। तो वही सब चीज़ों में इतना उलझ रही हूँ कि इस बारे में बात करने का टाइम नहीं मिला, बट आज मैंने थोड़ा सा टाइम निकाला है आप लोग से बात करने का। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि रवीना, जो तुमने एग्ज़ाम दिया था उसका रिजल्ट का क्या हुआ। बहुत सारे लोगों के तो इंस्टाग्राम पे भी DM आ रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता ही है कि BPSC 3.0 यानी बिहार गवर्नमेंट टीचर का एग्ज़ाम दिया था मैंने। रिजल्ट का क्या हुआ, तो रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। इस बार रिजल्ट काफ़ी लेट हो गया। पिछले बार जब मैंने BPSC 2.0 दिया था, तुरंत रिजल्ट आ गया था, लगभग 15 दिन के अंदर ही रिजल्ट आ गया था। बट इस बार 1 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। बहुत सारे एस्पिरेंट भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि सेम टू सेम मेरे जैसा ही एग्ज़ाम दिए हैं, और वो लोग भी रिजल्ट का ही वेट कर रहे हैं। तो उन लोगों के भी बहुत सारे कमेंट्स आए इधर बीच 2-3 दिन से, मैं देख रही हूँ मेरे वीडियोज़ पर बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के। मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया कि दीदी, आंसर की आ चुका है, आपने मिला है कि नहीं, आपका स्कोर कितना बन रहा है। मैंने चेक किया BPSC साइट पे कि आंसर की आया है कि नहीं, तो आंसर की तो आ चुका है, बट 1 to 5 क्लास का आया हुआ है आंसर की, मतलब प्राइमरी या स्कूल के लिए जो भी एस्पिरेंट ने एग्ज़ाम दिया है उनका आंसर की आ चुका है। मैंने दिया है 9 to 10 क्लास के लिए एग्ज़ाम, और अभी तक हमारे एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर का आंसर की नहीं आया हुआ है। जैसे ही आंसर की आएगा, मैं कोशिश करूंगी आप लोग के साथ अपना स्कोर शेयर करने का। मैंने आप लोग के साथ अपना एग्ज़ाम एक्सपीरियंस भी शेयर किया था। मेरा जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है, ग्रामर भी मेरा बहुत अच्छा रेडी था, लिटरेचर भी रेडी था, बट ऐसा सा क्वेश्चन पूछ दिया था ना, दिमाग एकदम ख़राब हो गया था, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, एकदम घन चक्कर हो गई थी मैं। तो उतना अच्छा एग्ज़ाम नहीं गया हुआ है, बस भगवान भरोसे है, सब कुछ देखिए क्या होता है। बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी नहीं है, बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी नहीं है। मुझे पता है कि जो भी होगा अच्छा ही होगा, भगवान सब अच्छा ही करेंगे। जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बट जब तक नसीब में जो चीज़ नहीं लिखी होगी ना, वो चीज़ नहीं मिलेगी। अगर मेरे नसीब में जॉब अभी लिखा होगा, भगवान चाहेंगे तो ज़रूर हो जाएगा। मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर तो डेली आशीर्वाद ही देते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में। तो देखिए क्या होता है, इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का। आंसर की अभी नहीं आया है, आएगा तो मिलाऊंगी मैं। मैंने सुना कि 30 तारीख को यानी 30 अगस्त आज आने वाला है आंसर की हमारा भी, तो अगर आएगा तो मिलाऊंगी, देखिए क्या होता है। यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स का मैंने वीडियो देखा, सब लोग बोल रहे हैं कि इस बार थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि पिछले बार तो लगभग 15 दिन के अंदर ही रिजल्ट आ गया था, बट इस बार 1 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, अभी तो आंसर की आ रहा है। तो रिजल्ट का देखिए, सर लोग बोल रहे थे कि शायद सितंबर लास्ट तक रिजल्ट आ जाएगा, तो देखिए क्या होता है। वेट कर रही हूँ मैं भी, अच्छा ही हो जो भी हो, इतना मेहनत करने के बाद भी अगर जॉब नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं मन में एक दुख तो होता ही है, बट भगवान चाहेंगे, देखिए क्या होता है। अभी निगेटिव मैं बिल्कुल भी नहीं सोच रही हूँ, सब कुछ पॉजिटिव ही सोच रही हूँ। मुझे पता है मेरा जॉब हो जाएगा, और मैं उस दिन को इमेजिन करती हूँ ना कि जैसे ही मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं अपना रिजल्ट देखूंगी, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि गाइज मेरा सिलेक्शन हो चुका है, मेरा जॉब हो चुका है। तो उस दिन कितनी खुशी होगी ना मुझे, आप लोगों को भी कितनी खुशी होगी। बस उस दिन का इंतजार कर रही हूँ कि जल्दी से रिजल्ट आए, मेरा सिलेक्शन हो गया हो, और मैं आप लोगों के साथ ये गुड न्यूज़ शेयर कर रही हूँ। तो ये सब बातें थी, अभी तक आंसर की नहीं आया है। 1 to 5 क्लास का आ चुका है, जो लोग भी मतलब 1 to 5 क्लास का एग्जाम दिए थे, आप लोग अपना स्कोर शेयर करना कमेंट बॉक्स में। मेरा भी आएगा तो मैं भी शेयर करूंगी। मैंने बोला था ना आप लोगों से कि मैं नहीं मैच करूंगी अपना स्कोर इस बार, बट फिर मैंने सोचा ना कि चलो करूंगी, क्या दिक्कत है, सब लोग बोल रहे हैं घर में भी कि करके देख लेना, अगर अच्छा नंबर भी आता है तब भी ठीक है, नहीं तब भी ठीक है। तो वही चीज़ है कि अभी मैं सोच रही हूँ कि आंसर की आए तो शायद मैं मैच करूँ, मिलाऊँ कितना स्कोर बनता है मेरा। मुझे पता है बहुत अच्छा तो नहीं बनेगा, क्योंकि पिछले बार थोड़ा कॉन्फिडेंस था भी, अच्छा गया था एग्ज़ाम पिछले बार, लेकिन इस बार, और पिछले बार बताऊँ मैं आंसर किससे मैच करी थी ना कहीं मुझे एक उम्मीद हो गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था ना, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, कहीं ना कहीं बहुत सारे एक्सपेक्टेशन कि हाँ इस बार मेरा हो जाएगा सिलेक्शन, बट नहीं हो पाया था तो बहुत दुख हुआ था। तो इस बार इसीलिए मैंने सोचा था कि नहीं, मैं इस बार नहीं मिलाऊंगी, क्योंकि फिर नहीं सिलेक्शन होता है ना, बहुत दुख होता है। और पता है साथ ही साथ क्या होता है, बहुत गिल्ट भी फील होता है, कुछ सिली मिस्टेक्स हम लोग कर देते हैं एग्जाम में बैठे बैठे, मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमें आ रहे हैं लेकिन फिर भी हम गलत कर देते हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में सोच सोच के फिर बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होने लगता है। तो इसीलिए मैंने सोचा था कि इस बार मैं नहीं मिलाऊंगी, डायरेक्ट रिजल्ट ही देखूंगी, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि नहीं, मैं देखूंगी, मिलाऊंगी इस बार भी।
देखिए क्या होता है, आंसर की पहले आ जाए फिर मिलाऊं, फिर बताती हूँ आप लोगों को। अगर अच्छा नंबर आएगा तो बताऊंगी, नहीं अच्छा नंबर आएगा तो फिर समझ जाना आप लोग, यही सब चीज़ें हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।